हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज का रेसिपी है आम का छुंदा। तो छुंदा बनाने के लिए मैंने 1 किलो आम लिया है और गुड़ लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा और छोटी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी और लौंग लिया है, और नमक और मिर्च पाउडर। आम को छीलकर कद्दूकस कर लेना है। ये रेसिपी मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा है आम का छुंदा बनाना, और एक दो बार बनाने के बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और मैंने यहाँ पे राजापुरी आम लिया है, और बहुत सारे आम आते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन राजापुरी का जो छुंदा बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने कद्दूकस करके रख लिया है, और यहाँ पर मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए रखा है, और इसमें हम तेल डालेंगे। तेल ज़्यादा नहीं होता है, मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैंने तेल यूज किया है। और इसमें हम सबसे पहले जीरा और लौंग, दालचीनी सब बारी बारी करके सभी चीज़ को हम तेल में डाल देंगे। हमने जीरा वगैरह ये सब जो ऐड किया है इसे थोड़ा जलने देंगे। जलने देंगे तो तेल में इसका फ्लेवर आएगा। उसके बाद हमें आम को इसमें ऐड कर देना है। हम इसे 5 से 6 मिनट इसे पकाएंगे, और पकने के बाद ये पानी भी सूख जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत जो पानी होगा। छुंदा जो गुजराती डिश है, गुजरात में बनाया जाता है, और आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है पानी सूखने लगा है, और इसे एकदम मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। अगर हाई फ्लेम पे हम इसे रखेंगे तो ये जल जाएगा। और इसमें थोड़ी सी हम नमक इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही नमक ऐड करना है, और इसमें थोड़ी सी मिर्च पाउडर, इसका टेस्ट अच्छा सा आएगा। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद गुड़ इसमें ऐड करना है और इसे पकाना है गुड़ के साथ। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भी पानी इसमें हमें ऐड नहीं करना है। आम और गुड़ को एकदम मिक्स कर देना है, और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाते रहेंगे तो गुड़ भी गल जाएगा और ये अच्छी तरह से पक जाएगा। तो कुछ इस तरह से हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये सूखने लगा है, और इसे हम थोड़ा हाई फ्लेम करके इसे चलाएंगे तो जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो सूख जाएगा। एकदम सूखा हुआ ये रहना चाहिए। तो यार सूख गया है अच्छे से, इस तरह से रहना चाहिए। तो ये रेडी होता है। अब यहाँ पे हम गैस बंद करेंगे। तो इसे फ्रिज में रखकर 10 से 15 दिन तक खाया जा सकता है, और इसे एयर टाइट जार में भी आप रख सकते हैं। आम का छुंदा बहुत ही टेस्टी है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।